हेलो एवरीवन, आज मैं घर पे हूँ तो मुझे तीन चार काम करने का गाड़ी के। जैसे एटमॉस्फेयर लाइट लगी थी ना यहाँ पे, एक तो वो उतर गई तो मैंने अभी टेम्परेली साइड में लगा दी, क्योंकि मैं गुड़गांव था, वहाँ तो मेरे पास सारे टूल वूल हैं नहीं, तो ये उतर गई और सेम होगा पीछे वाले के साथ। सफाई भी करनी है अंदर की। इसकी वाली लाइट कहाँ है? इसकी मेरे ख्याल से आगे पड़ी है। ये एक सेकेंड, आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। ये रही, ये भी उतरी पड़ी है। डबल साइडेड टेप नहीं काम करती हैं, तो एक ये ठीक करनी है। दूसरा मैं ठीक तो नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, वो याद है वो जो अंकल थे, उनको मैं हॉस्पिटल लेके गया था, रोड पे घायल थे। तो जब हॉस्पिटल में लेके गया तो वो स्ट्रेचर हॉस्पिटल वाले स्टाफ ने यहाँ लगा दी। सच बताऊंगा बुरा बहुत लगा, लेकिन ठीक है, अच्छा काम था। चलो इस चक्कर में हो गया, ये मुझे रिपेयर कराना है, ये मैं कराऊंगा ज़रूर। और इसके बाद सफाई करनी। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो रोड है ये रस्ट खाना शुरू हो गया, क्योंकि बैटरी की वजह से होता है ना, टर्मिनल्स की वजह से, कोई एक होती है या दोनों। तो एक ये रस्ट खाना शुरू कर दी, इसका भी जुगाड़ करेंगे। और बाकी क्लीनिंग चलो अब शुरू करते हैं। सनशेड भी धोनी, क्योंकि काफ़ी बार डिक्की में रख दी जैसे लगानी नहीं है, और सामान ऊपर रख दिया तो गंदी हो गई। यहाँ काफ़ी गंदगी है और डैशबोर्ड पे पूरी गंदगी गंदगी है, तो मुझे छोटे मोटे काफ़ी सारे काम करने हैं। आई विल स्टार्ट विद वैक्यूम, क्योंकि इसी से जो छोटे मोटे मिट्टी के कण हैं या और जो मिट्टी है गाड़ी के अंदर वो निकलेगी। फ्लोरिंग का फ़ायदा ये मिला कि इसका जो ओरिजिनल कारपेट है वो गंदा नहीं होता है। मतलब ये मैं थ्रू आउट गाड़ी की कह रहा हूँ, डिक्की में तो फ्लोरिंग नहीं है, मैट मैंने लगाया हुआ है, बट फ्लोरिंग का फ़ायदा है। अब मैं गाड़ी की वो स्पोर्ट्स हैं वो क्लीन करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे डिटेलर हो, या फिर गाड़ी का एक नॉर्मल मेरी तरह कोई ओनर हो, वो ये मिस कर ही देता है। इन्हें मैं क्लीन करता हूँ। इंटीरियर क्लीनिंग हो और मैट्स की वॉशिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप गाड़ी में खाना पीना काफ़ी करते हैं, ट्रिप्स पे काफ़ी घूमते हैं, और मान लो आपकी गाड़ी में परफ्यूम आपको पसंद नहीं है लेकिन गाड़ी में स्मेल बहुत आती है, तो उसको दूर कैसे किया जाए? नंबर वन, गाड़ी में फ्लोरिंग करवाइए। ओरिजिनल कारपेट थोड़ा ऐसा होता है, ब्लैंकेट टाइप होता है, कि रूएँ होते हैं उसमें अंदर, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ गई तो वो जल्दी से निकलेगी नहीं। अगर नहीं निकलेगी तो वो स्मेल क्रिएट करेगी गाड़ी के अंदर। इसी वजह से अगर गाड़ी का फ्लोर ओरिजिनल जो कारपेट है अगर वो गंदा है, गाड़ी के मैट गंदे हैं, तो गाड़ी के अंदर स्मेल आएगी ही आएगी। हर छोटी मोटी चीज़ क्लीन करना ज़रूरी है, सनशेड्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि मिरर इफेक्ट देता है। अब बाकी टायर अगर वॉश करने हैं तो स्पेयर टायर भी करूँगा, क्योंकि लद्दाख ट्रिप पर ही एक ही बार मैंने आज तक ये लगाया, 600 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन मुझे वापस अंदर रखना है, तो प्रॉपर वॉश करके मिट्टी विट्टी जितनी भी थी सब मैंने झाड़ के एकदम अच्छे से रखना है। अगेन फ्लोर लैमिनेशन का फ़ायदा, सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ हो जाती है। अब ये जो छोटे मोटे कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे कपड़ा लगता है ना, वैक्यूम खींच पाता, तो वो पार्ट को हटा के ही मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी और अभी इसे वापस लगानी। ये लैमिनेशन उखड़ गया यार, थोड़े बहुत दिन में दोबारा इसके ऊपर मैं करूँगा लैमिनेशन। अब तो ठीक है, चलो चल जाएगा, पैर से ही ख़राब ना हो प्लास्टिक पार्ट। एक अजीब सी चीज़ हुई, ब्लेड्स हटा रहा हूँ, वाइपर खींच रहा हूँ, हट नहीं रहा है। चलो इसका ओरिजिनल आवाज़ सुनाता हूँ। दूसरी तरफ इतने झटके से वाइपर ब्लेड नहीं उठी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपक गई थी विंडशील्ड के ऊपर। इसका शायद एक रीज़न ये हो सकता है कि जब गीले वाइपर वाइपर ब्लेड से, या विंडशील्ड अगर गीली है और उस पर जब हम ब्लेड्स रख देते हैं तो वो चिपक जाती है। हमें ब्लेड्स को सुखा के, गीले कपड़े से पहले फिर सुखा के और तब उसे रखना होता है। इस पर पता है छोटे छोटे कण जो हैं मिट्टी के, वो चिपक गए हैं। मैं कार परफ्यूम यूज़ नहीं करता, क्योंकि घर वालों को सूट नहीं करती, तो मैं 3M का ये जो डैशबोर्ड ड्रेसर है या काइंड ऑफ पॉलिश है,
ये वाली मैं यूज़ करता हूँ, इसमें क्या एक बहुत अच्छी स्मेल है, मौसमी का जूस होता है ना वैसी सी स्मेल है इसके अंदर, बहुत अच्छी है। मतलब ये एग्जैक्टली वैसे नहीं है बट हाँ जो है फ्रेग्रेंस गाड़ी के अंदर ये छोड़ कर जाती है और शाइन भी अच्छी आती है। अब लग रहा है एकदम नया स्पेयर टायर कि एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। अच्छा लगता है चीज़ अच्छी अच्छी देख के। अब ये रॉड की बारी, इन्हें निकाल के इनका थोड़ा मुझे काम करना है क्योंकि जो जंग लग गया है ये रुकेगा नहीं। अब इसको शायद कुछ करूँगा, क्या हो जाएगा बैटरी के एक ही टर्मिनल के ऊपर ये कार्बन जो रेजिड्यू जमा हो जाता है गंदगी, और एक ही साइड की जो है रोड ख़राब होती है। मेरे पास ब्लैक पेंट नहीं था, रेड था, कर दिया। नहीं अच्छे लगे तो कल को ब्लैक वाली स्प्रे ला के ब्लैक मार दूंगा, अभी के लिए ठीक है। अरे एटलीस्ट एक रोड तो नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ गाड़ी की बॉडी वॉश नहीं करवानी होती है, इंजन बे भी खोलना होता है। और लगे हाथ मैंने इंजन बे की वॉशिंग नहीं करी है, गीले सूखे कपड़े से एकदम साफ कर दिया है, मतलब जो मेन चीज़ें थी। ये जो इसके थ्रेड्स थे नट के उनमें थोड़ा सा रह गया, तो ये करना है। ये पता है नॉर्मल डस्ट या मिट्टी नहीं है, ये बहुत बारीक जो रोड़ियाँ उड़ती है ना रोड के ऊपर, वो वाली हैं जो कि बाद में मैंने शैम्पू से वॉशिंग की तो चली गई। अब सोचो कि ये वाली हैं लगी हुई हैं, और फिर अगर आप ब्लेड चला देते तो विंडशील्ड का क्या हाल होता है। एक तो ब्लेड के ऊपर भी गंदगी जमा, कांच पे भी, और फिर ब्लेड चला दो, सोचो सोचो।